शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू जिला की लघाटी के डोगरी में नव स्तरोन्नत पाठशाला का शुभारंभ किया। वहीं डोगरी में जनसभा को भी संबोधित किया और जन समस्याएं सुनी। इसके उपरांत देवसदन कुल्लू में हिमूर्जा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सोलर लाइटें भी वितरित की। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनेक विद्यालयों को स्तरोन्नत किया है। बहुत से नए विद्यालय खोले हैं और अनेकों शिक्षा संस्थान खोले हैं। उन्होंने कहा कि इन सब में एक बड़ी उपलब्धि है कि जहां पर मंडी में पहले क्लस्टर विश्वविद्यालय स्थापित किया था, वहीं हिमाचल प्रदेश में दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी मंडी में प्रारंभ की है, जिसके कारण कुल्लू मंडी के युवाओं को अधिक लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अनेकों विद्यालयों को स्तरोन्नत किया है, बहुत से नए विद्यालय खोले हैं और अनेकों शिक्षा संस्थान खोले हैं। और इन सब में एक बड़ी उपलब्धि तो यह है कि जहां पर पहले मंडी में क्लस्टर विश्वविद्यालय स्थापित किया था और वहीं हिमाचल प्रदेश की दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी अब मंडी में प्रारंभ की है, और जिसके कारण से मंडी कुल्लू के लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और पहले हिमाचल प्रदेश में 1970 से लेकर के केवल मात्र एक विश्वविद्यालय जो शिमला का विश्वविद्यालय था, अब मंडी का विश्वविद्यालय भी हमारा प्रारंभ हो चुका है। और इसी तरह से आज कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के डोगरी में जो हाई स्कूल था, उस हाई स्कूल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया था, आज हमने उसकी ओपनिंग की है और वहाँ पर आज उस स्कूल को प्रारंभ किया है। और उसके बाद यह कि आज यहाँ पर देव सदन में यहाँ पर लगभग 200 लाभार्थी जो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के और मनाली विधानसभा क्षेत्र के हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं और जो BPL परिवार से संबंध रखते हैं, उन सभी को सोलर लाइट्स वितरण का काम किया जा रहा है और वो आज हमने यहाँ पर उपलब्ध करवाई हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। आर्मी की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आपके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है, और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी को क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएँ, ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू